बोलबम जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है महायात्रा ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल के एक और नए ब्लॉग्स में। तो आज अभी हम लोग वासुकीनाथ धाम से लौटते वक्त अभी त्रिकुट पर्वत पर आए हुए हैं। तो आप सभी देख सकते हैं मेरे आगे में आप सभी को त्रिकुट पर्वत दिखाई दे रहा होगा। तो आप सभी देख लीजिए, अभी हम लोग बस अभी तुरंत त्रिकुट पर्वत पहुंचे हैं। देखिए सामने में त्रिकुट पर्वत का ज़बरदस्त नज़ारा। चूँकि पिछले साल जो है यहाँ पर जो ऊपर में आप सभी लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर केबल दुर्घटना हुआ था। दरअसल यहाँ पर रोपवे लगा हुआ है, वो रोपवे का वायर टूट गया था और दुर्घटनावश कुछ लोगों का मौत भी हो गया था इसमें और कुछ लोग उसी में फंसे भी हुए थे। तो इसी जब यह दुर्घटना हुआ उसके बाद से ही इसे रोपवे को बंद कर दिया गया है और ऊपर भी चढ़ना मना कर दिया गया है। तो इसलिए हम लोग ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे, बस अभी नीचे हम लोग घूमेंगे, देखेंगे यहाँ पर जगह को। और आप सभी को मैं अगर कुछ यहाँ अच्छा चीज़ है देखने लायक तो मैं आप सभी लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, हम लोग घूमते हैं त्रिकुट पर्वत। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर बंदरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, बंदरों की अधिकता है। तो आप अगर यहाँ पर आते हैं तो थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि आपका कुछ भी चीज़ को छीन करके बंदर जो है वो लेते चल जाएंगे। तो इसलिए बंदरों से यहाँ बच के और सावधान रहिए। देख लीजिए हम लोग का बस लगा हुआ है, यहाँ खाने का सामान सब जो है वो बंदर सब अपने से निकाल रहा है। देख लीजिए यहाँ बहुत ज़्यादा बंदर है। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय हनुमान, देख लीजिए जय बंदर भगवान। अभी यहाँ पर बहुत सारे बंदर हैं, देख सकते हैं। मेरा टीम का सभी कांवरिया भी यहाँ घूमने के लिए आए हुए हैं। तपोवन, माफ़ कीजिएगा, तपोवन नहीं है, त्रिकुट पर्वत है। हाँ, त्रिकुट पर्वत। तो यहाँ सभी घूमने के लिए आए हैं। देखिए हम लोग बहुत सारे कांवरिया यहाँ पर हम लोग घूमने के लिए आए हैं, आप देख सकते हैं। देखिए सभी कांवरिया हम लोग यहाँ पर घूम रहे हैं, देख रहे हैं त्रिकुट पर्वत को। तो चलिए हम लोग यहाँ पर अगर कुछ विशेष है इसके अलावे तो वो भी देखने का कोशिश करते हैं। तो आप सभी वीडियो में बने रहिए इसी तरह से। बोलबम बोलबम, आइए देखिए त्रिकुट पर्वत को। हम लोग अभी वासुकीनाथ धाम से लौटते वक्त या देवघर मार्ग पर स्थित है। जब आप वासुकीनाथ धाम से देवघर की ओर निकलेंगे तो बीच रास्ते में घोरमारा पार करने के बाद में त्रिकुट पर्वत है। यह एक बहुत ही दर्शनीय स्थान था, यहाँ पहले बहुत ज़्यादा मात्रा में पर्यटक आते थे, लेकिन जब से यहाँ पर रोपवे लगा हुआ है, रोपवे का लाइन है, उसमें दुर्घटना होने के बाद से यहाँ पर्यटकों की संख्या कम हो गई है। हालाँकि ऊपर चढ़ना जो है रोपवे में वो बंद कर दिया गया है, लेकिन बाकी नीचे भी घूमने का जगह है, वहाँ पर आने के बाद आप घूम सकते हैं। आप देख रहे हैं कि पहाड़ का सबसे ऊपर में टॉप पर जो दिखाई दे रहा है पोल, वही रोपवे का लाइन है, वो आखिरी सब स्टेशन वहीं पर है। और उसके नीचे में जैसे हम लोग आएंगे तो अभी आपको स्क्रीन का बायां तरफ दो पोल दिख रहा होगा, वहां से होकर रोपवे का लाइन जो है वो नीचे की ओर उतरती थी बेस स्टेशन पर, बॉटम स्टेशन पर नीचे की ओर, और वहीं से होकर के रोपवे जो है वो ऊपर की ओर जाता था। जल्दी जल्दी गिरा देता है, सब जल्दी करता है ना, इधर रख रहा है, बहुत सियाना है, इधर इधर दबा कर रख रहा है, देखो गर्दन के नीचे। हाँ सब वैसे ही करता है, बाद में खाएगा, इतना उतना रखता है ना, साइड में रख लेता है, बाद में एक दस भाग गए इतना भी नहीं जरा फड़ियो ना ले जरा गिने गिने ले 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 ले
देख लीजिए आप सभी त्रिकुट पर्वत को कितना विहंगम नजारा है देख लीजिए। अगर यह चालू रहता यहाँ का रोपवे तो मैं आप सभी लोगों को ऊपर जाकर दिखाने का कोशिश करता, लेकिन पर्वत का ऊपर में जो आपको पर्वत दिख रहा है उसका ऊपर में जो टावर जैसा वही रोपवे का लाइन था। अगर यह खुला रहता तो मैं आप सभी लोगों को ज़रूर इस पर्वत पर त्रिकुट पर्वत पर ऊपर ले जाकर वहाँ ऊपर से मैं वीडियो को ज़रूर से ज़रूर आप सभी लोगों को दिखाता। तो अभी चलिए हम लोग यहाँ नीचे में बंदर सब बहुत ज़्यादा हैं, एक आध बंदर को देखते हैं सामने से। एक बंदर है जो कि अपने साथ में अपना छोटी बच्ची है या बच्चा है वो तो पता नहीं, लेकिन एक छोटा बच्चा को एक बंदर है वो पकड़ के और अपना गोदी में लेके घूम रही है। तो देखने में अच्छा लगा, तो मैं आप सभी लोगों को थोड़ा सामने से वीडियो दिखा रहा हूँ। देख लीजिए कैसा अपना बच्चा को लेके अपना गोदी में और वो कुछ घास खा रही है शायद। देख लीजिए घास खा रही है। देख लीजिए नहीं दोस्ती नहीं जी नहीं दोस्ती नहीं। चलिए हम लोग सामने की ओर पर्वत का जाने का कोशिश करते हैं, देखते हैं अगर कुछ खुला होगा तो आप सभी लोगों को मैं दिखाने का कोशिश करूंगा। देखिए इधर बंदर जो है वो काफ़ी मात्रा में यहाँ पर घूम रहे हैं। आप लोग यहाँ आइएगा तो ज़रूर से ज़रूर सावधानी रखिएगा, क्योंकि बंदर जो है वो मोबाइल को भी लेकर के भाग जाते हैं। तो इसलिए जब भी आप लोग आइएगा तो सावधान रहिएगा यहाँ पर। तो चलिए इसी तरह से हम लोग आगे की ओर मुख्य सड़क की ओर बढ़ते हैं और देखते जाते हैं कि आगे में अगर कुछ और कुछ देखने के लिए मिले। चूँकि पर्वत का रोपवे जो है वो बंद है तो और कुछ तो देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलिए एक बार देखते हैं सामने में जा करके। हाँ सर रोपवे बंद है पिछले साल से ही जब एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा ठीक, सर जी बता रहे हैं कि रोपवे का लाइन बंद है इसलिए आगे में तो और वैसा कुछ नहीं है सर जी। मंदिर है। अच्छा मंदिर है ठीक। अच्छा ठीक हाँ हाँ ठीक नहीं जैसे। चलिए आगे में मंदिर है, हम लोग कोशिश करते हैं मंदिर की ओर जाने का, चूँकि टाइम से जो है वो काफ़ी लेट में हम आए हैं, काफ़ी अभी थोड़ा सा अंधेरा का समय भी है। और अभी शाम के 6:31 हो रहा है, शाम 6:30 बज रहा है। और अभी एक बार कोशिश करते हैं मंदिर की ओर जाने का। प्राचीन शिव मंदिर है यहाँ पर। तो और एक चीज़ है कि मंदिर जाने वाले रास्ते में किनारे किनारे में बहुत सारी दुकानें हैं, तो आप इन दुकानों पर जाते हुए भी आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसी तरह से आगे की ओर मंदिर की ओर बढ़ते हैं। यह मुख्य मंदिर जाने वाला रास्ता है और रास्ता की ओर जाने से पहले ही हमें साक्षात शिव जी का प्रतिरूप दिखाई दिए हैं। आप सभी हमारे जो कांवरिया साथी हैं यहाँ शिव जी की प्रतिरूप के साथ में सेल्फी ले रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम भोले बम भोले। तो चलिए हम भी शिव जी का प्रतिरूप के साथ में, एक मिनट देखिए हमारे साथ में शिव जी के प्रतिरूप हैं। प्रणाम, बोल बम, हर हर महादेव, बम भोले, हर हर महादेव।
देखिए आप सभी को बोलिए बम भोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम भोले, जय भोले। मंदिर जाने वाले रास्ते में चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हम काफ़ी लेट से यहाँ पर पहुँचे। अभी शाम के 7:15 बज रहे हैं, काफ़ी अंधेरा है, फिर भी आप कोशिश करते हैं कि आप सभी को मुख्य मंदिर तक लेके चले। बम भोले, बोल बम। चलिए इसी तरह से आगे की ओर बढ़ते हैं मंदिर की ओर। चलिए रास्ता यही है, आप सभी को मैं आगे की ओर लेकर चलता हूँ। चलिए फाइनली कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर हम लोग अभी प्राचीन त्रिकुट मंदिर तक आ चुके हैं। आप सभी देख लीजिए, रास्ता दिखाई नहीं पड़ेगा। यह प्राचीन शिव मंदिर है। आप सभी देख सकते हैं। यह प्राचीन शिव मंदिर है, आप जो सामने में देख रहे हैं यह दुर्गा मंदिर है। और आप जो इधर देख रहे हैं यह मुख्य शिव मंदिर है, चूँकि और आप इधर देख रहे हैं यह श्री गणेश मंदिर है। यहाँ से जो है वो आगे जाना अलाउड नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ से आगे अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत अंधेरा भी हो गया है, 7 बजने वाला है शाम का, और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा भी हो गया है। तो अब हम लोग यहीं से वापस लौटेंगे और आगे में देखते हैं कि अगर और कुछ रास्ता में ऐसा दिखने लायक कोई चीज़ दिखाई देगा तो हम लोग साथ में चलेंगे। और इधर सामने में आप देख सकते हैं यह नवग्रह स्थान है, इधर तुलसी माता जी हैं, और साथ ही थोड़ा सा ऊपर में मैं आप सभी को और कुछ दिखाने का कोशिश करूंगा। यहाँ पर वैष्णवी काली मंदिर है, यहाँ काली माता जी हैं यहाँ। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर लंगूर और बंदर बहुत ही ज़्यादा हैं, तो आप कभी भी यहाँ मोबाइल या कुछ भी लेकर आते हैं तो आप सावधान रहिएगा, अन्यथा बंदर जो है वो आपका मोबाइल भी लूट सकते हैं। मेरे साथ भी यही घटना घटा है, एक बंदर जो था वो मेरा जो मोबाइल अभी जिससे मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था इसी को लेकर दौड़ के भाग जाने वाला था, लेकिन मैंने बचा लिया अपना मोबाइल। तो मेरा भी एटीएम कार्ड ओपन तो चलिए मेरा साथ में और एक बोलबम है। बोलबम जी आपका अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुधीर मुंडा। चलिए सुधीर मुंडा जी मेरे साथी में, एक साथ में हम लोग आए थे कांवर यात्रा के लिए। अभी एटीएम कार्ड सब ले जाता है मेरा। हाँ, तो आप सभी से निवेदन होगा कि आप सभी जब भी यहाँ पर आते हैं तो सावधान रहिएगा, बंदर बहुत ज़्यादा हैं। और इसी के साथ हम वीडियो को जो है वो समाप्त करते हैं। आप सभी से एक निवेदन होगा, कृपया करके मेरे इस यूट्यूब चैनल माही यात्रा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपका कोई सुझाव हो मेरे विषय में या मेरे चैनल के बारे में तो ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको कोई अगला कोई अच्छा जगह का वीडियो चाहिए तो आप हमें जगह सजेस्ट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा वहाँ तक जाकर वीडियो बनाने का।
तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलबम, जय भोलेनाथ।